सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बेसा मिलाएंडा या कची मिश्री जेड़ा फंक्शंस तमा करे सको था वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई भले तमा rishto.com में मेंबरशिप भरती हुजे या न, रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर कैंप 3 के सेक्शन 17 से टेल्सन मार्केट तक के स्थानिक दुकानदार वहां पर बने इलीगल रिक्शा स्टैंड की वजह से परेशान थे। इस इलीगल रिक्शा स्टैंड की शिकायत ट्रैफिक पुलिस और उल्लासनगर महानगर पालिका को की गई, जिस पर ट्रैफिक पुलिस और उल्लासनगर मनपा ने कार्रवाई करते हुए इस रिक्शा स्टैंड और रिक्शा स्टैंड के लगे हुए बोर्ड को वहां से हटाया, जिसके चलते आज इस स्टैंड को हटने को लेकर रिक्शा ड्राइवरों और दुकानदारों के बीच कुछ मामला बिगड़ गया, जिसके चलते स्थानिक दुकानदार व्यापारियों के नेता दीपक शतलानी से मिलकर ट्रैफिक एसीपी से मुलाकात की गई। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। शास्त्री चौक जिसको 17 सेक्शन भी बोलते हैं, वहाँ से टिल्सन तक जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको इलीगल रिक्शा स्टैंड जो बन गया वहाँ पर अंबरनाथ का, एक्चुअली व्यापारियों ने कंप्लेंट की थी तो हमारे जो ट्रैफिक PI गायकवाड़ साहब हैं उन्होंने कार्रवाई किया था, महानगर पालिका ने वो बोर्ड भी निकाल कर फेंक दिया था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर इलीगल रिक्शा स्टैंड चालू ही है और उसके बाद रिक्शा वालों का दादागिरी और सब बातें जो है वहाँ पर व्यापारियों को बहुत तकलीफ़ है। और आज हमारे मित्र जो हैं निखिल भाई जो शावा संगठना के अध्यक्ष हैं वो किसी काम से उस क्षेत्र में गए थे तो उन्होंने देखा कि ये व्यापारियों को बहुत तकलीफ़ है, तो वहाँ पर मैं भी पहुँचा, निखिल भाई भी मेरे साथ में थे और हमने वहाँ पर सिचुएशन देखी और ACP साहब से टाइम लिया ट्रैफिक के। मैं धन्यवाद करता हूँ काले साहब के कि तुरंत उन्होंने टाइम दिया, हमारे PI गायकवाड़ साहब भी थे, उन्होंने एक्चुअली 50% काम कर दिया है, उन्होंने स्टैंड हटा दिया था जो इलीगल था, महानगर पालिका ने उसको हटा कर फेंक दिया है, लेकिन वो स्टैंड जो इलीगल है वो कार्रवाई रिक्शास के ऊपर करके वो हमेशा के लिए हमारी तकलीफ़ दूर करें, ऐसी हमारी उनसे मांग थी, हमारी उनसे मीटिंग हुई और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द वो कार्रवाई करेंगे और वो वहाँ पर जो इलीगल रिक्शास खड़े होते हैं वो बंद करवाएंगे। आज दीपक शतलानी जी यांच्या नेतृत्वाखाली काही व्यापारी मंडळी आमच्याकडे आले होते आणि त्यांच्या सांगण्यानुसार 17 सेक्शन येथील चौकामध्ये काही रिक्षावाल्यांकडून त्यांना वेडेवाकडे रिक्षा उभ्या केल्यामुळे त्यांना व्यापाराला त्रास होतो असं त्यांचं म्हणणं होतं। त्यांचं सगळं आम्ही म्हणणं ऐकून घेतलं आणि त्याप्रमाणे आता त्या जे काही अवैध रिक्षा स्टँड असतील किंवा रिक्षा चालक असे अवैधरित्या व्यवसाय करत असतील त्यांच्यावर लगे 1-2 दिवसामध्ये परिणामकारक कारवाई करण्यात येईल। नाही, या संदर्भाने आम्ही नेहरू चौक आणि आजूबाजूच्या परिसराची यापूर्वीच पाहणी केली होती आणि त्यानुसार ते आम्ही एक नोटिफिकेशनसुद्धा तयार केलं होतं आणि ते नोटिफिकेशन पाठवलेलं आहे, त्या नोटिफिकेशनला माननीय उपायुक्त साहेबांनी मंजुरी दिलेली आहे आणि त्या नोटिफिकेशननुसार आम्ही वाहनांची त्या ठिकाणी येण्याजाण्यावर काही मर्यादा ठेवलेल्या आहेत, त्याप्रमाणे आम्ही 2-व्हीलरच्यासुद्धा वाहनांवरसुद्धा काही मर्यादा ठेवलेल्या आहेत, मोठी वाहनंसुद्धा 12 नंतर तिथं प्रवेश करू शकणार नाही आहेत, ठिकठिकाणी आम्ही नाकाबंदीचं किंवा बॅरिकेटिंगचं आयोजन केलेलं आहे, त्या ठिकाणीसुद्धा आमचा स्टाफ असणार आहे, उदाहरणार्थ नेहरू चौक आणि त्यानंतर शिरू चौकामध्ये सुद्धा बॅरिकेटिंग केलेलं आहे। तर या पार्श्वभूमीवर कसं गर्दीचं नियंत्रण करता येईल आणि चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी ट्रॅफिकचं समन्वय साधता येईल या दृष्टीने आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करत आहोत। सर, नेहरू चौकामध्ये येण्यासाठी किती ठिकाणी वन वे केलेलं आहे? हां, मला वाटतं हां शिरू चौक ते नेहरू चौक
असा एक वन वे राहील आणि त्याप्रमाणे फर्निचर मार्केटकडून नेहरू चौकात येण्यासाठी हा एक वन वे आहे आणि पटेल लो प्राईजकडून येण्यासाठी एक वन वेचा मार्ग आहे. सर बघा गेलं उल्हास स्टेशनला पण रिक्षा स्टँड बनवलेलं गेलेलं आहे, ते पुलावरून पार करून तिकडे रिक्षा भरतात, ते पूल पण धोकादायक झालेलं आहे. तिथल्या रिक्षावाल्यांचं पण असं म्हणणं आहे की काही रिक्षावाले जेव्हा पोलीस असतात तेव्हा जात नाही, जेव्हा पोलीस नसतात ते पुन्हा सुरू हो जात, त्यांच्यावर काय कारवाई करायची? या संदर्भाने आमचे तिथं आम्ही थोडा स्टाफ पण वाढवलेला आहे. दुसरी गोष्ट अशी की आम्ही महापालिकेला एक पत्रव्यवहार केलेला आहे. उल्हास लाईन बुलेटिन को सबस्क्राइब करे, बेल आयकॉन दबाए और देखिए उल्हास लाईन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर.